नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। और ना मैंने आज तक कभी किसी को मना किया कि भाई मुझे बच्चे मिलते हैं सर, हम ये स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। ओके फाइन, डू इट, बिकॉज आपको शायद उस टीचर की बात समझ में आ रही होगी। मैं कहता हूँ दुकानों पे मत जाओ, दुकानों पे मत जाओ। आप एक्स वाई जेड कोई स्कूल आपको लगता है, आप चार दिन बिताओ, आप बोलो कि भाई मेरी मेरी भाषा अच्छी नहीं है, मेरी भाषा को मैंने सुधारना है, मेरे शाह और शाह का फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत दिक्कतें आती हैं। वो टीचर बोलेगा हाँ आप हमारा ज्वाइन कर लो। मैं ज्वाइन तब करूँगा जब मैं तीन दिन बिता लूँगा आपके साथ। मैंने केएन के साहब से पूछा था, किशोर नमित कपूर साहब से पूछा था कि ये सर इतने सारे बच्चे बैठे हैं आप इंग्लिश में बात क्यों करते हैं। वीडियो में बोला था मैंने, राइट। एक बच्चा बिहार से आया है, उसको इंग्लिश में बोलोगे तो समझ में आएगा। हम कौन से हम सीरियल करते हैं, क्या हिंदी में करते हैं इंग्लिश में करते हैं? हिंदी करते हैं, हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं। वो अच्छे टीचर हैं, वो डेफिनेटली उनका नाम है, तो 40 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन था उनसे कि आप हिंदी में क्यों? तो उन्होंने नहीं, हम हिंदी में बताते हैं और इंग्लिश में बताते हैं। मैंने क्यों भाई, हिंदी बताओ ना, फिर इंग्लिश हटा दो। और वहीं के कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर ये दिक्कत तो है। और कुछ लोगों ने कहा नहीं सर हमें चलता है, राइट। इसका मतलब दोनों तरह के लोग थे। तो जहाँ की बात आपको समझ में आए, देखा बम फूट रहे मेरे लिए, ये लोग दुश्मन हैं। तो जहाँ की बात समझ में आए, टीचर आपको लगता है कि यार इसकी बात मुझे समझ में आ रही है, आप वहाँ ज्वाइन करो, लेकिन तीन दिन बिताओ। अगर वो बोलता है तीन दिन, नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं, पहले एडमिशन लो, तो बोलो ठीक है भाई हम दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि आपने तो पैसे दिए नहीं ना। हाँ, आपको लगता है यार मैं इस बंदे की बात मुझे समझ में आती, ये मेरी आवाज़ को सुधार सकता है, ये मेरी भाषा को सुधार सकता है, ज्वाइन कर लो। मेरा मानना ये है, ऐसे बहुत से, देखो सगल किसे बोलते हैं, सगल यही है कि मुझे मेरी हिंदी गड़बड़ा है, मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना है जो मुझे सिखा भी दे। आप किसी एनएसजी पास आउट टीच उसको पकड़ो, एक्टर को पकड़ो कि सर आपने कैसे सीखा था, वो बताएगा आपको। मेरे सर मैं आपके पास आके सीखना चाहता हूँ, आप उसके पैर पकड़ लो भाई, क्योंकि आपका काम है। वो आपको गुरु एक वेद भारद्वाज हैं, मैंने वीडियो बनाया था वेद भारद्वाज का, आप जाओ उनसे सीखो, वो आपको सिखाएंगे, वो पैसे भी, वो पता क्या क्या बोलते हैं, जो आपके पास है दे देना, तो रास्ते तो बनते हैं ना, आपको ढूंढना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि दुकानें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, आप सीधा दुकानों की तरफ जाते हैं। रीज़न क्योंकि अरे यार बड़ा नाम है इसका, आप नाम से जाते हैं, आप काम से नहीं जाते। आप काम से जाओगे तो दिक्कत आएगी नहीं आपको, ऐसे लोग जल्दी मिल भी नहीं पाते हैं। वही तो ढूंढना है, स्ट्रगल तो यहीं से शुरू हो गया। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल यही है कि मुझे अपने रास्ते बनाने हैं, मुझे मेरी हिंदी गड़बड़ है, तो मैं यार मैं एक्टिंग स्कूल में क्यों जाऊंगा, मेरी हिंदी साफ करूंगा, मैं एक ऐसे टीचर को पकड़ूंगा जहां से मेरी जो मेरी हिंदी साफ कर दे। और जैसे कुछ लोग हैं एक्टर बनना चाहते हैं पर उनको आता नहीं है कुछ करना, तो मत करो एक्टिंग। लेकिन शौक है, करना है, पैशन है, आगे ना बात, शौक, यही तो मैं कह रहा हूँ, शौक। मुझे शौक है कि मैं एक्टर बन जाऊं, मुझे शौक है कि मैं टीवी पे आऊं, मुझे शौक है मेरे माँ बाप ने एक बार सर टीवी पे दिखना है, एक बार सर फिल्म में दिखना है। ये गड़बड़ है, ये आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, अपने आप से। अरे उतना टाइम कहीं और दे दो भाई, उतना टाइम किसी और काम को दे दो। अगर आप में अगर नहीं है बात, तो फिर जबरदस्ती का सौदा मत करो, जबरदस्ती का सौदा हमेशा नुकसानदायक होता है भाई, समझे, बैठ जाइए। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसा मतलब कोई जैसा मतलब कोई यहाँ पर आता है, जोर से बोलो, जोर से, जैसा कोई यहाँ पर आता है और वो दो तीन महीने से ज़्यादा कंटिन्यू करता है यहाँ पर काम, स्ट्रगल करता है, हाँ स्ट्रगल करता है, उसे काम नहीं मिल पाता है, स्टार्टिंग है उसकी, स्ट्रगल करता है, उसे काम नहीं मिल पाता है, तो उसका प्रोसेस तो यही है कि वो ऑडिशन दे, इंट्रो दे, यही होता है यहाँ पर, प्रोडक्शन हाउस में जाए, वहाँ पर इंट्रो दे, सेल्फ दे, या फिर जो भी है वो दे, उसके बाद भी उसे काम नहीं मिलता है, तो वो क्या करे, क्या करे। वैसे मैंने इसका जवाब दिया था पहले, टाइम तो लगेगा, बात तीन, मैंने अभी भी कहा था, बात तीन महीने और एक साल और दो साल की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे में जज्बा कितना, पेशेंस कितना, सब्र है तुम में। अगर तुम्हारे में, देखो वो ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग है, अब
अब अगर आप ये कहो कि काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने एक्टर भी तो हो गए ना, काम ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। एक ऑडिशन होता है, अभी मैंने ऑडिशन का एक वीडियो डाला था धनंजय के यहाँ, राइट, चार आर्टिस्ट फाइनल हुए, चार में पता कितने ऑडिशन लिए हैं, 1500, 1500 बच्चों में चार बच्चे फाइनल हुए हैं, आई थिंक हो गए होंगे चार, तीन लड़के दो लड़के फाइनल होने थे, 1500। तो कंपटीशन कितना है, इसका मतलब आपको ग्रूमिंग करना पड़ेगा, इतना आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, राइट। अब आज काम मिला, चार महीने नहीं मिला, तो आपका बैकहैंड क्या है, आप पीछे क्या करना चाहते हैं। मैंने तो शुरुआत कर दी थी वड़ा पाव बेच के, मैंने शुरुआत की थी भाई पाया सूप बना के, लेकिन मैंने एक साल के बाद मेरे को काम मिलने लगा, चीज़ें चलती चली गई। अभी भी मैं अभी की बात करता हूँ, मैंने बेपनाह प्यार में कर रहा था, आपने देखा होगा शायद, बेपनाह प्यार में मेरा ट्रैक खत्म हो गया, दो महीने हो गए, दो महीने से मैंने, आपको क्या लगता है, मैंने भी ऑडिशन दिए हैं, मैंने अभी तक इन महीनों में ऑडिशन दिए हैं, नहीं सिलेक्ट हो रहा, कोई बात नहीं, क्यों नहीं हो रहा, मैं ये सोचता हूँ क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या दिक्कत थी। तो मुझे बताया गया कि यार ये इस तरह का चाहिए था, इस तरह का आपने किया, अच्छा। कई बार ये हो गया, नहीं दर्पण भाई आपका लुक नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, सगल है। अब मैं ये कहूँ कि यार चार महीने हो गए, अब क्या होगा मेरा, या तो फिर आप अपने आप को एक्टर मानो ही नहीं, आप एक काम करो 9 to 6 की जॉब कर लो, जिंदगी सेट है, सुबह जाओ जैसे आप जॉब करते थे ना, क्यों छोड़ी जॉब। पैशन तो भैया अगर आप में, अगर अपने आप को कलाकार दिखता है, तो फिर इस बात से परे हो जाओ कि 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, काम भी उसके पास चल के आता है जिसके अंदर जज्बा भी चौड़े में हो। आपका जज्बा ही गड़बड़ है, आपकी चीज, आप निराश हो। हम क्यों बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, हम क्यों बोलते हैं अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, नहीं है मिलेगा, कर देंगे यार, कर देंगे बे। ठीक है, तो घबराने किस बात का यार। तो क्योंकि मेरे साथ भी लड़के रहते हैं, मेरे दोस्त लोग रहते हैं, उन्होंने भी डिप्लोमा किया है कहीं से, डिग्री किया है, तो वो उनको कभी उनको एक दो काम मिले हैं एक साल में या 1.5 साल में, या कोई अभी नए नए आए हैं, उन्होंने थिएटर करके आए हैं और वो उनको काम नहीं मिल पाया 4-5 महीने से या 6 महीने से या 10 महीने से। तो मैं ये क्वेश्चन मेरे लिए इसीलिए मैं पूछ रहा था कि हाँ क्या कर रही हूँ, वो बंदे भी क्या, मैं आपकी बात को ही बड़ा करता हूँ। इन्होंने देखा चार लोग आए और 10 महीने कुछ काम नहीं मिला, हाँ मुझे भी नहीं मिलेगा शायद। किसी को देखकर अपने बारे में सोचना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने कहा ना, हर इंसान का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी है। शायद तुम्हें जल्दी काम मिल जाए, शायद तुम्हें 5 साल लग जाए, एक्टर तो दोनों ही है ना एक्टर। तो इसको नहीं मिला यार, मुझे भी मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम अपने हाथों ही लुटते हैं, किसी ने पैसे मांगे आपने नहीं दिए तो लुटे क्या, नहीं ना, पैसे मांगे आपको लगा। और दूसरी बात, चलो मान लो आप सब मुझे जानते हैं, राइट, आपने मुझे काम भी देखा, एज एन एक्टर भी देखा। मैं अगर कहता हूँ आपसे, मान लो भाई सुन, कल से मेरे पास आ जा, मेरे शो में तेरे लिए काम है, मान लो सुनो, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझो, ये तो मुझे जानता है, इसने मुझे देखा है, इसने देखा स्टैब्लिश एक्टर है, तो ये मेरी बात पर भरोसा भी करेगा, इसका एक्टिंग स्कूल है भाई, बहुत सारे बच्चे इसके स्कूल से निकले हैं, भरोसा करेगा। और मैंने कहा 1 लाख रुपए लगेगा, तो काम तो दिलवाएगा, काम हो जाएगा तेरा। इसने मुझे कहा यार दर्पण श्रीवास्तव बोल रहे हैं तो काम हो ही जाएगा, और इसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया और मैंने इसे काम दिलवा भी दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा काम तो हो गया, इसका भी काम हो गया, अगली बार जब जाएगा तो काम मिलेगा, टैलेंट होगा तो मिलेगा ना, राइट। और अगर इसने मुझे पैसे दिए, इसका मतलब कमजोरी किसमें है, इसने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मुझे 1 लाख दे दिया, और मुझे पता है कि इसकी कमजोरी है, तभी तो 1 लाख रुपए दे रहा है, मैंने ले लिए, मैंने काम दिला दिया, गेम खत्म, यही होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि टैलेंट है तो भाई किसी को पैसे नहीं देने। दर्पण श्रीवास्तव क्या, दर्पण का बाप भी है जो पैसे नहीं देने मां की आंख। अगर टैलेंट है, अगर चीजें क्लियर हैं, तो पैसा नहीं देना होता। मैंने आज तक 36 साल में मैंने कभी किसी को 1 रुपया नहीं दिया। तकलीफें आई,
अरे तकलीफें कहाँ नहीं आएंगी मुझे बताओ ना, आपका लाइफ आपकी जीवन है, जीवन में तकलीफें आती हैं, कभी माँ की परेशानी, कभी बाप की परेशानी, कभी भाई की परेशानी, कभी बीवी की परेशानी, कभी खुद की परेशानी, परेशानी तो रहेंगी आपकी, तो घबराते नहीं हो ना? कैरियर की बात आई ना, अगर मेरे कैरियर की बात है तो मैं घबराऊंगा क्यों? टाइम लग सकता है, एक एक्टर को टाइम लग सकता है, लेकिन एक एक्टर को काम ना मिले ये मैं मानता नहीं, ये नहीं मानता मैं, काम तो मिलेगा, देर सवेर भगवान इतना बुरा नहीं है ना भाई, ये एक इंसान लगा हुआ है लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है जिसमें टैलेंट है उसको काम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सर मेरा सवाल था, एक मेरा एक सवाल था सर कि मुझे एक कुछ दिन पहले मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि ऑडिशन है सर, तो मैं वहाँ पे गया और ऑडिशन के टाइम पे सर वो तो कास्टिंग एजेंसी थी सर, और आप इसके बारे में क्लियर कर दीजिए एक्टर्स को, आपका सेशन शायद मिस होगा, मैंने देखा नहीं होगा शायद, तो सर वहाँ पे पैसे मांगे उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन करो और ऑडिशन दो, नहीं तो आपको बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में आपको एंट्री नहीं होगी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। दुकान है भाई, दुकान है वो, दुकान है, सिंपल सी बात है, जो ऐसा बोले कि आप फीस भर दो, 2000 भर दो, हम आपको, बड़े प्रोडक्शन हाउस में कोई पैसा मांगता ही नहीं है, कभी कोई पैसा नहीं मांगता, बार बार चिल्ला के बार बोलता हूँ, कोई अगर देखो उनकी दुकान है वो, उनका धंधा है वो, और दूसरी बात वो आप जाओगे ना तो आपको फॉर्म भरवाएंगे, वो फॉर्म में आपका नाम होगा, सब कुछ होगा, आपने साइन मार दिए, अब कहोगे बाद में हाँ हाँ कोई ऑडिशन होगा तो बताएंगे, हाँ हाँ कुछ काम होगा तो बताएंगे, आपके 2500 के, फिर एक वक्त आएगा 2500 के लिए आप जाओगे, यार मेरे पैसे, वो कहेंगे आपने साइन किया हुआ है, पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपने खुद एग्रीमेंट साइन किया होता है। ऑडिशन अपडेट, अच्छा ये बड़ा कमाल का है, एक क्वेश्चन है सर, व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं यहाँ पे बहुत सारे ना, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं जिसमें ऑडिशन का अपडेट दिया जाता है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि व्हाट्सएप ग्रुप है किसी का है, उसमें आप उसमें कर लो और काम मिलेगा, मुझे बताओ कितने लोगों को काम मिला, किसको मिला? आई थिंक वन परसेंट या 2% लोगों को काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज नहीं मिलता है। आपको ऑडिशन का अपडेट कैसे मिले, ये बहुत बड़ा सवाल होता होगा, राइट? देखो स्ट्रगल तो है, मान लो मैं गया जय मेहता प्रोडक्शन में, मैं गया या आप गए, दो बातें होंगी, या तो बोलेंगे छूटते ही कि, तो या तो बोलेंगे भाई आप इस लायक नहीं है अभी फिलहाल, आप बाद में आना, या वो बोलेंगे 15 दिन बाद ऑडिशन होंगे आप आ जाना, एक नोटबुक ले लो भाई, जय मेहता प्रोडक्शन में 15 दिन बाद मुझे अपडेट करना है। मैं बोलता हूँ आप 10 दिन सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस में एक बार चक्कर मार लो, आपको ना पिछले आने वाले 6 महीने तक के अपडेट मिल जाएंगे। मुझे कैसे मालूम होता है, मैं तो किसी को, मेरे पास तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मुझे कैसे मालूम होता है कि स्वास्थ्य में नया शो की कास्टिंग चल रही है, अच्छा मैं अभी अभी इनका नया शो आ गया विद्या वालों का, महेश पांडे का, तो महेश पांडे जी के मैं अगले शो में तब जाऊंगा, अभी टाइम है, बिकॉज हम अपडेट जाके देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, अभी तो खैर अलग बात होगी, बिकॉज मैं सब जानते तो मुझे मालूम पड़ जाता कौन सा कहाँ चल रहा है, लेकिन नए लोगों के लिए किसी भी ग्रुप से बेटर है, आप हर बार मैं बोलता हूँ निकलो, जाओ, मिलो, आप आए ना मिलने, घर बैठे तो नहीं मिल पाते थे ना, आप आए, मैं भी मिलने आया, जब आप एक प्रोडक्शन हाउस में जाओगे तो हो सकता है आप निराश हो सकता है वो वहाँ के लोग बोले सॉरी भाई तेरे लिए कोई काम नहीं है, अगर वो बोलता है काम नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि आप में कोई कमी है, तभी तो उसने मना किया, जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसने तो बहुत सारे ऑडिशन लिए हैं, लाखों की तादाद में उसने ऑडिशन लिए, तो उसकी तो नज़र बहुत तेज होगी, एक प्रोडक्शन हाउस जिसने आज तक 10 या 20 या 50 शो बनाए हैं वो तो बेवकूफ नहीं हो सकता, इसका मतलब कमी हमारे में, हम क्या करते हैं यार, ये क्या बात हुई, मतलब हमें तो अनफिट बोल दिया, अनफिट बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं परेशानी है, उस परेशानी को आप नहीं समझ पा रहे, वो परेशानी को आप समझोगे चीज़ें आसान होंगी। सर जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान से यहाँ आ गया हूँ, इसकी आवाज़ की ताली मारो, आगे ना भाई, आप जब बोलते हो मैं कितना क्लियर हो गया, आप आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ आखिर वहाँ तक जा रही है भाई, आवाज़ आ रही है मेरी, तो ये बोलना, ये आपकी आवाज़ में भी उतना दम होना चाहिए एज एन आर्टिस्ट कि आपको 10 लोग समझें। सर
सर जैसे कि मैं राजस्थान से यहाँ तक आ चुका हूँ, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे, अब उन्होंने कहा कि अब जा रहा है तो जा कुछ करके आना। अब जो बंदे यहाँ नहीं आ सकते, जो मीटअप में नहीं बैठ सकते, जो जो एक्टिंग आती जिनको, और जो घर से मायूस होकर बैठ जाते घर पर, तो वो उनके लिए अगर आप दो शब्द कह दो जो मायूस हो जाते हैं कि उनके फैमिली और बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि नहीं यार तू यहीं पर रह, तेरे तेरे लायक कुछ भी नहीं है। जो एक्टर है, जो जैसे कि मैं राजस्थान में मैंने देखा है खुद, मेरे साथ वाले एक्टर हैं पर उनके फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। देखिए मैंने इस बात का पहले भी कहा है, चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे वो बिहार से हों, अगर उनमें टैलेंट है और वो अगर अपने माँ बाप को नहीं समझा पा रहे या उनके माँ बाप उनको जाने नहीं दे पा रहे, मतलब आने के लिए मना कर रहे हैं, तो दो रीज़न होंगे। या तो ये होगा कि वो परिवार उस पर डिपेंड होगा, परिवार उसके ऊपर चल रहा होगा, या इकलौता बेटा होगा, या कुछ रीज़न रहा होगा, या फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ अलग होंगे, राइट, इसलिए मना कर रहे होंगे, या उनको लगता होगा फ्रॉड है, मुंबई फ्रॉड हो सकती है, राइट, ये दो बातें हो सकती हैं। लेकिन जब एक एक्टर, अच्छा आप सब अपने आप को एक्टर मानते हैं, गुड, जब एक एक्टर पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेता है कि मैं एक्टिंग करूंगा और मैं पूरे आवाम को, पूरे हिंदुस्तान को अपनी एक्टिंग से कन्विंस कर लूंगा, आप एक्टिंग करेंगे तो कन्विंस करेंगे ना कि भाई हाँ मैं, अब मान लो मैं बन गया इंस्पेक्टर और मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया और सारे लोग कन्विंस हो गए, अरे क्या कमाल का रोल किया है, मैंने कन्विंस कर लिया। जब एक एक्टर अपने आप को पूरे हिंदुस्तान को कन्विंस करने का हिम्मत रख सकता है, तो क्या वो अपने माँ बाप को नहीं मना सकता? क्यों नहीं मना सकता यार? जब वो पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले रहा है तो अपने माँ बाप को क्यों नहीं कन्विंस कर सकता? कर सकता है। अदरवाइज मैं ये मानता हूं कि वो एक्टर है ही नहीं, वो एक्टर है ही नहीं। मेरी बातों से कन्विंस होते हैं ना आप? होते हैं ना। इसका मतलब मेरे में वो कन्विंसिंग पावर है। जब इतनी बड़ी कन्विंसिंग पावर है, जब आप दुनिया को समझा सकते हैं, तो अपने माँ बाप को समझाना आसान है, क्योंकि माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, माँ बाप वो समझते हैं, उनको अपने पैदा किया उन्होंने, उनको पता होता है कि हमारे बच्चे में क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं है, मेरा बेटा ये बन सकता है, मेरा ये बेटा नहीं बन सकता है। अगर वो बेटा उनको लगेगा कि यार ये उसमें दमखम है, वो बन सकता है, वो डेफिनेटली वो जाने देंगे। तो भाई उन सबको बोलूँगा जो है, अगर टैलेंट है कहीं पे भी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तो अपने आप में इतना कन्विंसिंग पावर पैदा कर लो कि आपके माँ बाप आपको जाने के लिए हाँ कर दें। कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत से मैसेज आते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑडिशन देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑडिशन देने जाते हैं तो वो लोग ऑडिशन लेते हैं प्रॉपर, ऐसा लगता है कि बस हाँ ठीक है, अब कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर उनका कॉल आता है कि पोर्टफोलियो है कि नहीं, उसके बाद में फिर उनका कॉल आता है कि आप आइए ऑफिस में मीटिंग कीजिए, सर के साथ बैठिए, फिर हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे तो सीन कुछ और होता है, वो पैसे अटने के लिए प्लान पूरा बना चुके हैं। ये तो बातें हमारी हो ही रही है अभी। हाँ जी जी। तो ऐसे में टाइम बहुत वेस्ट होता है और सर हम लोग मतलब मिसगाइड हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सर क्या करें? मेरे वीडियोस देखो, सिंपल वीडियो, वो तो मैंने देखा सर, वो तो मैंने देखा, और लगभग 90% आपने आंसर दे भी दिया है, है ना, कि व्हाट्सएप ग्रुप या फिर प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहिए। प्रोडक्शन हाउस में ही जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा कास्टिंग एजेंसी है कुछ अच्छी, जैसे मैं नाम लूंगा एक कास्टिंग एजेंसी, जेनेट हब। जी जी, जेनेट को, हाँ जेनेट को मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ, वो सही में कास्टिंग डायरेक्टर हैं। वो पहले कॉन्टिलो में थी, कॉन्टिलो में उन्होंने बहुत साल काम किया, इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी कास्ट किया, एक शो में मुझे कास्ट किया था उन्होंने, अदालत एक शो आता था, मैंने 2-3 एपिसोड किए थे उनके। उसके बाद उन्होंने अपनी एजेंसी खोली, वहाँ पे शायद 1,000 या 1,500 रुपये फीस लेती हैं वो, लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने अगर बच्चों को काम नहीं दिया तो उन्होंने पैसे रिफंड किए हैं। तो ऐसी जगह जा सकते हो आप, लेकिन मुकेश छाबड़ा साहब की कास्टिंग एजेंसी है, शाहिद साहब की है, शबीर हैं, काफ़ी लोग हैं जिनकी एजेंसीज हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेजता ना कि ऑडिशन कॉल, वो 99.9.9 मामला गड़बड़ है। जी सर, यही थैंक यू सर।